कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ द लेंस। ठीक है, आपको बताते हैं कि कौन सा लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और कौन सा लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो बच्चों जो कॉन्वेक्स लेंस है, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस जो किनारे पर क्या होता है, थिन होता है और बीच में थिक होता है, मोटा होता है बीच में, किनारे पर पतला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ठीक है, ये एज ए कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करता है, जबकि जो कॉनकेव लेंस है ये जो किनारे पर थिक लेकिन बीच में थिन होता है, यानी कि क्या बात कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो होता है ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग। कन्वर्ज का मतलब होता है बच्चों एकाग्र करना, इकट्ठा करना, तो इस पे जो लाइटें गिरती हैं उसको ये प्रिंसिपल एक्सिस पे इकट्ठा करने की कोशिश करता है, उसको एक जगह एकाग्र करने की कोशिश करता है। जबकि जो डाइवर्जिंग लेंस है ये लाइटरे को क्या करता है, डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब हटाना, दूर फैलाना, ऐसे फैलाने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अब पहले तो ये समझना चाहिए ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जैसे किसी प्रिज्म पे अगर कोई लाइट रे पड़ती है, जैसे मान लो ये लाइट रे पड़ी, ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्शन बनाइए जरा। तो भाई सीधी सी बात है, इस पर एक नॉर्मल ड्रा करोगे, नॉर्मल ड्रा करोगे तो क्या होगा, लाइट रे सीधा ना जा करके नॉर्मल के पास आ जाएगी, क्योंकि बाहर रेयरर है अंदर डेंसर है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल पे होगी, फिर से यहाँ पहुंचेगी, फिर यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा करोगे। नॉर्मल है क्या, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, वो नॉर्मल। अब क्या होगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ऐसे जो मतलब जब किसी प्रिज्म से लाइट रे पास होती है तो वो प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ जाती है। अगर ऐसे लाइटें कोई डाल दीजिए तो किधर मुड़ जाती है, बेस की तरफ। अगर प्रिज्म के बेस के पैरेलल कोई लाइटें डाली जाए तो हमेशा कहाँ मुड़ेगी बच्चों, बेस की तरफ। तो अगर प्रिज्म पे कोई लाइट रे आती है तो वो प्रिज्म के बेस की तरफ मुड़ती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को सीख सकते हैं। बच्चों अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे यहां से तोड़ दें तो हमें क्या दिखेगा बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस तो बीच से होगी, दोनों सेंटर से पास होगी, आपको पता है यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है। अब अगर इस लेंस को आपने यहां से ब्रेक किया तो आपको क्या दिख रहा है, ये प्रिज्म दिख रहा है छोटा सा प्रिज्म। अब इस पे जो लाइट रे पड़ेगी पैरेलल, वो क्या करेगी, उसको अपने बेस की तरफ मोड़ देगा, तो इसका बेस कहाँ है, नीचे, तो ये अपने बेस की तरफ मतलब नीचे मोड़ देता है। ये बहुत थिन लेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो यहाँ थोड़ा मुड़ेगी दो जगह दिखाना चाहिए, बट अभी हम क्या करें, आपको थिन लेंस के बारे में समझा रहे हैं, इसलिए नॉर्मली हम एक जगह से मोड़ रहे हैं, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, ये थिन लेंस है, ये भी क्या है बच्चों, थिन लेंस। थिन लेंस मतलब जिसकी थिकनेस क्या है, जिसकी थिकनेस इनफिनाइट स्मॉल है, थिन लेंस, ठीक है। अब जो लाइट है यहां गिरेगी बच्चों क्या होगा, देखो इसको भी वही बात है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे देखो ये भी एक प्रिज्म जैसा बनेगा, तो ये भी क्या करेगा, उस लाइट को अपने बेस तरफ मोड़ देगा, बेस तरफ इसने मोड़ दिया, ठीक है। फिर अगर यहां से कट करोगे फिर एक क्या बनेगा, फिर आपको यहां से देखो कहीं ना कहीं ये ऊपर ऐसे प्रिज्म बनता हुआ यहाँ महसूस होगा, तो प्रिज्म है उसका बेस कहाँ बनेगा, नीचे, नीचे कैसा मोटा है ना, तो जब ये लाइट रे आएगी तो ये इसको क्या करेगा, बेस तरफ मोड़ देगा, तो कुछ इस तरह से लाइट रे इकट्ठी हो जाएंगी। ये क्या, कन्वर्जिंग लेंस का काम हो गया। सेम ऐसे अगर इधर भी ब्रेक करोगे बच्चों, देखो ये प्रिज्म बना, बेस कहाँ बना, ऊपर, तो जो लाइट रे आएगी ये अपने ऊपर की तरफ झुकाएगा, मतलब यहाँ पे पहुँचा देगा। ऐसे अगर यहाँ से ब्रेक किया तो फिर देखो ये बच्चों, यहाँ से देखो ये एक प्रिज्म जैसा बन सकता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लाइट रे आएगी वो क्या होगी, बेस की तरफ इसकी मुड़ेगी, मतलब ये यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। फिर से अगर इसको आपने ब्रेक किया तो फिर से एक आपको प्रिज्म जैसा मिलता हुआ महसूस होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें इसका भी बेस देखो नीचे क्रम मोटा है ना, तो नीचे बेस बन जाएगा, तो बेस की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा। कुल मिला के ये लाइटें एक जगह क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्रिज्म हमको दिखाई देते हैं थिन लेंस के लिए। अगर इसमें हम बच्चों थिन लेंस की बात करें तो क्या होगा,
भाई इसको अगर यहाँ से ब्रेक कर दिया जाए तो यहाँ से जो प्रिज्म आपको बनता हुआ, देखो ये प्रिज्म बन सकता है ऐसा, जो प्रिज्म बनता हुआ देखेगा उसका बेस कहाँ है, ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो लाइट रे आएगी वो कहाँ मुड़ेगी, ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी, ठीक है। फिर अगर यहाँ से बच्चों आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से अगर हम बात करते हैं, फिर ये प्रिज्म बनाते हैं, देखो ऐसे, फिर ये बना, फिर जो लाइट रे आएगी वो क्या होगी, वो फिर से ऊपर चली जाएगी, जाएगी ना। तो यहां से बच्चों क्या हो रहा है, ये फिर आएगी, फिर देखो प्रिज्म ऊपर की तरफ बेस हो गया, नीचे की तरफ ऐसे बनेगा प्रिज्म, यहां से बनेगा ना, तो इससे फिर ये लाइट रे क्या होगी बच्चों, ऊपर की तरफ। तो देखो यहां पे जो लाइट रे आ रही है वो क्या हो रही है, इससे दूर हट रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल नहीं रही, उसे दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। फिर यहाँ पे अगर तुम एक प्रिज्म सपोज करते हो, देखो ऐसे प्रिज्म सपोज करोगे तो लाइट रे जो पैरेलल आएगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे दूर हट जाएगी। फिर यहाँ पे एक प्रिज्म हमने सपोज किया, अब जो लाइट रे आएगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर एक प्रिज्म सपोज किया, फिर उसका बेस नीचे बनेगा, ऐसे जाएगा, तो फिर जो लाइट रे आएगी वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब इस पर जो लाइट रे आएंगी वो दूर हटेंगी, फैल जाएंगी, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करना, डाइवर्ज मतलब फैला देना, जो लाइट रे को क्या करता है देखो, फैला देता है, इसीलिए ये क्या है, डाइवर्जिंग एक्शन है, और ये क्या है, कन्वर्जिंग एक्शन है, ये इकट्ठा करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों।